प्रश्न 12। या तो आप कह सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से है, या ये भी कह सकते हैं कि कला एवं संस्कृति से ही है, भारतीय दर्शन से संबंधित है। क्योंकि बौद्ध संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन के भाग बन गए हैं। चलिए, ये कहते हैं कि दोनों ही धर्म देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। यह बात सही है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ने भगवान या गॉड या देवताओं के अस्तित्व को नकारा। जैन धर्म ने कुछ हद तक इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि ईश्वर कोई है, किंतु वह उस तरह से अलौकिक शक्ति के रूप में नहीं, सुपर नेचुरल पावर के रूप में नहीं है जिस रूप में हिंदुइज्म में गॉड है। बौद्ध धर्म ने तो पूरी तरह से नकार दिया, किंतु जैन धर्म ने थोड़ा सा माना कि यदि ईश्वर है तो वह भौतिक व्यक्ति के रूप में है, लौकिक व्यक्ति के रूप में है। लेकिन मोटे तौर पर देवताओं, भगवान या गॉड के एग्जिस्टेंस को दोनों धर्मों ने नकारा है। कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, क्योंकि दोनों ही धर्म इस बात पर जोर दिए कि एक से अधिक धर्म या संप्रदाय में आप आस्था रख सकते हैं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है या मुझे मानो। बुद्ध ने यह कहा कि जो मैं कहूं उसकी जांच कीजिए, उसकी पड़ताल कीजिए, यदि आपको सही लगता है तो उसको फॉलो कीजिए, और यदि आपको एक से अधिक धर्मों या संप्रदायों या विश्वासों में आस्था है तो आप उसको मान सकते हैं। दोनों ही कथन सही हैं। कथन तीन गलत है, क्योंकि कह रहा है दोनों संप्रदायों का आधार शांतिवाद था, तो ऐसा नहीं। जैन धर्म शांतिवाद पर था और बौद्ध धर्म का दर्शन शांतिवाद से उत्पन्न करुणा पर आधारित था। इसलिए जो कोर वैल्यूज थी बौद्ध धर्म की, वो करुणा है, जैन धर्म की वो शांति है। एक दो सही है, तीन गलत है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनता है विकल्प ए, प्रश्न संख्या 12 में।